नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हूं मैं। एनसीपी हर वक्त जिस तरीके से अपना निषेध करते आ रहा है ईडी सरकार को लेकर के, हमेशा से उनका आंदोलन एक यूनिक हुआ है। आज उन्होंने एक गधे को ला करके अपने आंदोलन के थ्रू अपना गुस्सा निकाला है। जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि हमारी नहीं तो इस गधे की सुनो, अब देखना ये है कि गधे की सुनते हैं या नहीं ईडी सरकार, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बात करते हैं एनसीपी के कार्यकर्ता से, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। आज पूरे महाराष्ट्र में देशव्यापी आंदोलन किया गया है। हमारा मकसद यही है कि जिस तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का संस्कारी संस्थानों का इस भारत की सरकार, मोदी की सरकार दुरुपयोग कर रही है और ना चाहते हुए भी बार बार किसी मंत्रियों को हैरान करना और सारे विपक्ष के नेताओं को हैरान करना, ये बहुत बड़ा विषय है। क्या मीरा भाईदे की जनता और पूरे देश की जनता इस पर विचार करनी चाहिए कि सारे भ्रष्टाचारी इसी विपक्ष में ही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आला नेता है, जितने भी आमदार है, विधायक है, क्या वो साफ सुथरे हैं, दूध के धुले हुए हैं? आपको एग्जाम्पल मीरा भाईदे में दे दूंगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल मीरा भाईदे में, जो मीरा भाईदे के विधायकों के पास दर्जनों जमीन घोटाले के मामले दर्ज हुए हैं। तो आप अगर ईडी के सिफारिश से अगर जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं, तो देश की जनता के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आने वाले समय में ये देश के लिए सभी नागरिकों को सोचना पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा कि सिर्फ धर्म की राजनीति देश नहीं चलने वाला है। आप राम मंदिर बना के अगर देश को जीतना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सभी जाति धर्म का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर संविधान में लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। आज ईडी के माध्यम से अगर हमारे नेताओं को दबाओगे तो जनता इसका जवाब जरूर देगी। और हम चाहते हैं आने वाले समय में जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में साफ सुथरे लोग हैं या नहीं, इसका विषय जनता ही देखेगी। हमारी मांग ऐसी है, जो ये मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करके, स्पेशली विरोधी लोग जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान करके, या तो हमारे साथ में आ जाओ नहीं तो जेल में जाओ, ये नीति अपनाई हुई है। इस नीति के अंदर आज रोहित दादा पवार को ईडी ने बुलाया था, जो कि उन्होंने अजय दादा गट के साथ जाने से मना कर दिया, इसलिए उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उसी केस में 10 से 12 और लोग हैं जो आज बीजेपी में है, उनके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे शहर में एक नेता के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की, जैसे ही वो सिंधेगढ़ में गए उनकी वो कार्रवाई रुक गई। दूसरे नेता के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो बीजेपी में है। ये जो बीजेपी की जो कूटनीति चल रही है, जो विपक्ष के खिलाफ जो देश में हड़कंप मचाया ईडी ने, इसके खिलाफ हमने ये जन आंदोलन किया था आज। उनके तो आदरणीय तहसीलदार जी को हमने निवेदन दिया है, हमारी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमने आज स्पेशली एक गधा लेके आए जो कम से कम हमारी और विपक्ष की नहीं सुन पा रहे, कम से कम गधे की भी सुनेंगे, या हमारे से अपेक्षा है, इसलिए आज गधे को लेके आके हमने आदरणीय तहसीलदार साहब को निवेदन दिया है। क्या है ना, केंद्र सरकार आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करके ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी पार्टी हो गई है और वो विपक्षी नेताओं के ऊपर जिस तरह से दबाव डाल रही कि विपक्ष अक्सर ना जनता की आवाज़ होता है और सरकार नहीं चाहती कि जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचे, तो सरकार वैसे भी बहरी है। तो हमने सोचा कि ये गधे को लेके जाता हूँ, हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, कम से कम ये गधे की आवाज़ तो सुनेंगे। देखिए, आप अगर देखते हो लास्ट 3 दिनों के अंदर ईडी कितना एक्टिव हो गई, इससे पता चलता है कि चुनाव आने वाला है। सरकार जितने बड़े प्रमुख नेता हैं उनको किसी ना किसी तरह से डरा के या तो अपने पाले में लेना चाहती है या तो जेल में डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से चुनाव जीत सके। मुझे लग रहा है ये बड़ी डिक्टेटरशिप है और हमारा जो वोट का अधिकार है उसके ऊपर बहुत बड़ी सरकार ये चोट मार रही है और आने वाला दिन बहुत मुश्किल है। मैं तो जनता से भी आह्वान करता हूँ कि इस मोदी सरकार को आने वाले टाइम में उखाड़ के फेंक दें। तो जैसे कि आपने देखा एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में इनकी जो मांग है ईडी सरकार को लेकर के और जिस तरीके से बीजेपी का ये निषेध कर रहे हैं वो आगे किस तरीके से आगे कौन सा करवट मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।